जैसे जैसे दिसंबर के दिन बढ़ने लगे हैं, वैसे वैसे मौसम ने करवट बदलना भी शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर मौसम का अब रुख बदल रहा है। यहाँ हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी भी हो रही है, जिसे देखने के लिए लगातार सैलानी भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और इस ठंड में बर्फबारी का आनंद भी उठा रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं। जी हाँ, सर्दी से बचने के लिए लोगों ने घरों की छत, बालकनी, पार्क और खुले मैदान में बैठकर राहत पाने का प्रयास किया, तो शाम को सूरज के ढलने के बाद लोगों को सर्दी का ज्यादा एहसास हुआ। इसलिए लोग अपने घरों और दफ्तरों से निकलने से पहले गर्म कपड़े भी पहन रहे हैं ताकि ठंड से बचे रहें। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कपकपी बढ़ी है, जिसके चलते दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। यहाँ अब धीरे धीरे ठंड का दौर आगे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार आगामी कुछ दिनों में उत्तर भारत में शीत लहर भी चल सकती है, जिसके बाद भीषण ठंड का दौर शुरू हो सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 17 दिसंबर तक केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। केरल में आगामी इस सप्ताह के अंत तक शायद बादल भी छाए रहेंगे। वहीं रात के समय में तापमान में कुछ गिरावट भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बदलते मौसम में लोगों से ठंड से बचाव करने की सलाह भी दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए अलर्ट भी जारी किया है, जो कि ठंड की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।